तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम यार, वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारतीय पीएम मोदी जी की सिक्योरिटी देखकर हाफिज सईद को भी पड़ गए मिर्गी के दौरे। भैया मोदी जी की सिक्योरिटी होती तो टाटा, कोई शक नहीं, लेकिन अभी करते हैं हाफिज सईद की कैसे पड़िए मरोड़ पेट में। वही ना भाई साहब, जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं। कौन हम कहते हैं त्रिटू एंड स्टार्ट। दोस्तों, प्रधानमंत्री भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है और उनकी सुरक्षा का जिम्मा बहुत बड़ा है। ये बात है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी में ब्रीफकेस, बॉडीगार्ड से लेकर सिक्योरिटी डॉग्स भी शामिल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी फीचर्स पार्ट 2 के बारे में ही बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी कार्स। दोस्तों, प्रधानमंत्री के काफिले में दो आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित एक दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलावर को कंफ्यूज करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की कार जैसी दिखने वाली दो डमी कारें भी चलती हैं। जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों की डिफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं, क्योंकि इस कार पर अगर कोई आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहां तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होगा। यदि कोई खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंक्चर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। 100 किलोमीटर। नंबर 9, फूड टेस्टर। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी VVIP पर्सन को ऐसे ही कोई भी खाना नहीं खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो लोग जितने फेमस होते हैं उनकी जान को उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खाना उन्हें खिलाने से पहले किसी को टेस्ट कराया जाता है, जिसे फूड टेस्टर पर्सन कहते हैं। भोजन चखने वाला व्यक्ति परोसे जाने वाले फूड और ड्रिंक को यह पुष्टि करने के लिए होता है कि यह खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं और इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस या जहर तो नहीं है। ये उन इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स में से एक है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब कोई VVIP व्यक्ति होटल या किसी स्थान पर जा रहे हो जहाँ वो भोजन करते हैं। नंबर 8, नरेंद्र मोदी रेसिडेंस। दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री के निवास को 7 कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं और उनका कार्यालय 7 नंबर बंगले में है। बंगला नंबर 9 में SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इसमें एक बड़ा टेनिस कोर्ट भी है। इसके अलावा बंगला नंबर 3 में मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया है। साथ ही बंगला नंबर 1 में हेलीपैड भी है, जिसका इस्तेमाल 2003 से अब तक किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि पीएम आवास में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। ये सुरंग पीएम आवास को सफदरजंग हवाई अड्डे से जोड़ती है। ये सुरंग इसलिए बनवाई गई है ताकि प्रधानमंत्री के कहीं आने जाने में किसी प्रकार की यातायात समस्या न आए और सुरक्षा भी बनी रहे। बता दें कि इस सुरंग का निर्माण साल 2010 में शुरू हुआ था और करीब 4 साल बाद जुलाई 2014 में ये बनकर पूरा हुआ। इसके अलावा इस सुरंग का इस्तेमाल करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। नंबर 7, XYZ और Z+ सिक्योरिटी। दोस्तों, आपने भी अक्सर Z+ सिक्योरिटी शब्द सुना होगा, खासकर किसी नेता या राजनेता के दौरे के समय सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा चकाचौबंद की जाती है। उस वक्त XYZ और Z+ सिक्योरिटी के साथ उन्हें रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इनका मतलब क्या है और इन सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एक्स कैटेगरी की, जो कि सबसे बेसिक सिक्योरिटी लेवल है। एक्स कैटेगरी के सिक्योरिटी लेवल में 2 पुलिसकर्मियों के साथ 1 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। दूसरी वाई कैटेगरी में 11 पुलिसकर्मियों के साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। तीसरी जेड कैटेगरी में VIP के सुरक्षा घेरे में 22 पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं और उनके साथ एक एस्कॉर्ट कार भी चलती है। Z+ सिक्योरिटी सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था वाली कैटेगरी है। Z+ सिक्योरिटी लेवल में 36 पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा होता है। Z+ कैटेगरी वाले सुरक्षा गार्ड्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट्स और निहत्त युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। नंबर 6, बोइंग 777-300ER। एयर इंडिया 1 VVIP एयरक्राफ्ट भारत के प्रधानमंत्री जिस सरकारी विमान से यात्रा करते हैं उसका नाम एयर इंडिया 1 है। बोइंग कंपनी ने करीब 5 साल पहले भारत को 777-300ER मॉडल के 2 खास विमान बनाकर दिए। ये दुनिया के सबसे स्पेशल विमानों के तौर पर जाने जाते हैं।
इस विमान को पीएम के अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खासियत की बात करें तो एयर इंडिया वन एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जो बिना हैक किए मिड एयर में ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शन की सुविधा देता है। इस विमान के पीछे पंखों में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा है, जिन सेंसर्स की मदद से पायलट को दूसरी मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को बड़ी आसानी से ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम ये एंटी मिसाइल सिस्टम है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है। चैफ एंड फ्लेयर सिस्टम रेडार ट्रैकिंग मिसाइल से खतरा होने पर क्लाउडी शाफ छोड़े जाते हैं, जिसके आगे छिपकर विमान कहीं से भी निकल जाता है। नंबर 5 स्पाई एजेंसीज। दोस्तों, किसी भी देश में शांति सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। सीमा पर तैनात जवानों के साथ ही देश के अंदर ऐसी कई एजेंसियां हैं जिन्होंने देश को बड़े बड़े खतरों से बचाया है। नंबर 1 रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ गुप्त तरीके से देश के दुश्मनों का सफाया करता है। इसका गठन 1968 में किया गया था। ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी दुश्मनों पर नजर रखता है। दरअसल दोस्तों, रॉ के लिए काम करने वाले एजेंट अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक मिशन पर जाते हैं, और कई बार तो एजेंट अपने घर वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि वो इस एजेंसी का हिस्सा है। नंबर 2 इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। इसका गठन साल 1887 में सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ था। इसके बाद साल 1947 में इसका पुनर्गठन किया गया। आईबी देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। अच्छा। जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आईबी देश में इंटरनल अफेयर्स पर खुफिया ऑपरेशनों के जरिए नजर रखती है। नंबर 4 एसपीजी कमांडर। दोस्तों, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर एक सेकंड के अंदर आतंकियों या उग्रवादियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवानों के पास M&F 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की होती है। एसपीजी कमांडोस बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल से लैस होते हैं। ये एक मिनट में 850 राउंड फायर करने में केपेबल होती है। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। नंबर 3 ट्रैफिक ब्लॉक। दोस्तों, ट्रैफिक को ब्लॉक करने का आमतौर पर मतलब किसी विशेष रास्ते से वाहनों की आवाजाही के सामान्य प्रवाह को रोकना या बाधित करना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कहीं वीवीआईपी लोग जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं तो रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे वहां पर लोगों के व्हीकल से कोई भी भीड़ ना हो और उनकी गाड़ी आसानी से निकल जाए। नंबर 2 सिक्योरिटी डॉग। दोस्तों, कर्नाटक के देसी नस्ल के मशहूर मडहोल हाउंड डॉग्स प्रधानमंत्री के स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल हुए हैं। इन कुत्तों में लंबी दूरी तक दौड़ने की क्षमता होती है। ये लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं और 3 किलोमीटर की दूरी से किसी भी वस्तु को सूंघ सकते हैं। इनकी लंबाई 72 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 20 से 22 किलोग्राम के बीच होता है। मुधोल हाउंड शिकार और रखवाली के काम में माहिर होते हैं। इनका स्टैमिना बहुत अच्छा होता है। ये बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। ये ब्रीड पहले से ही भारतीय सेना का हिस्सा है। अच्छा। वायुसेना और अन्य सरकारी विभागों में इसका इस्तेमाल काफी पहले से किया जा रहा है और अमेरिका में इसे कैरमान हाउंड कहा जाता है। ये विदेशी नस्ल जर्मन शेफर्ड की तुलना में काफी तेज होता है। कहा जाता है कि जो काम जर्मन शेफर्ड कुत्ते 90 सेकंड में पूरा करते हैं, भारतीय नस्ल के मडहोल हाउंड इस काम को सिर्फ 40 सेकंड में पूरा कर देते हैं। नंबर 1 ब्रीफकेस बॉडीगार्ड्स एंड अम्ब्रेला। दोस्तों, मोदी के साथ कमांडोज जो ब्रीफकेस लेकर चलते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर बटन है तो ऐसा नहीं है। असल में वो एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या पोर्टेबल फोल्ड आउट बैलिस्टिक शील्ड होती है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है, जो कि NIG लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करती है। इस ब्रीफकेस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें खास तरह की पिस्टल रखी होती है। बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस या केवलर अम्ब्रेला जो प्रधानमंत्री को गोलियों की बौछार से बचा सकती है। इन्हें पकड़ने वाले बॉडीगार्ड्स भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं और इनके पास एक 9mm गुर्जा पिस्टल होती है जो एक मिनट में 40 राउंड फायर कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है तो स्थिति में उनके बॉडीगार्ड ब्रीफकेस में से गन निकालकर पीएम को बचा सकते हैं। हमले के वक्त प्रधानमंत्री को सुरक्षित करने के लिए उस शील्ड को नीचे की ओर झटक देते हैं, जिससे शील्ड खुल जाती है। ये एक तरह से ढाल का काम करती है, इसलिए इसे थामे चलने वाले कमांडो प्रधानमंत्री के आसपास ही रहते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल खत्म। अबे ऐसी सिक्योरिटी में कौन चिड़ी पार मारेगी बे, इसकी हिम्मत होगी कि भाई साहब वो देखेगा नहीं? तो देखो यार, जिस देश का वो पीएम है, उस पीएम ने ऐसे ऐसे काम किए कि उसको खतरा रहता है। क्योंकि उस पीएम ने
भारत को उस लेवल पर लेकर गया कि पाकिस्तान के दुनिया का हर देश पीएम मोदी से जलता है। बिल्कुल ये बात क्यों जल रहा है, क्योंकि भाई साहब हथियारों में ले लो, दुनिया की हर चीज में ले लो, इंडिया इस टाइम टॉप पर जा रहा। अगर मैं ये चीज गलत बोल रहा हूँ तो भाई आप गूगल कर सकते, बिल्कुल इंडिया टॉप थ्री के अंदर आपको हर फील्ड के अंदर नजर आए। बिल्कुल तभी तो उसकी जान को खतरा रहता है ना। तो भाई साहब ये हाफिज सईद क्या, हाफिज सईद का बाप भी भाई साहब इसको नहीं वजाद इधर गोल टच कर सकता है। यार सोचने वाली बात है, 3,000 सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त उनके साथ रहते हैं, 3,000 जिसमें से कुत्ते वो अलग, कुत्ते अलग वो है। मैं पहले सोचे, मैंने कहा जर्मन शेफर्ड को नहीं, लेकिन जो जर्मन शेफर्ड जितनी देर में काम करता उसके आधे टाइम में तो ये इंडिया के 40 सेकंड में वो चीज कर लेते हैं। यार इनकी ये तो बंदों से भी ज्यादा तेज है वो यार। वही ना, और भाई जो सिक्योरिटी जो मोदी जी का जहाज है ओए, 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 वो कैसा है, वो मतलब कि आने वाले मिसाइल्स को भी जैम कर दे। देख वजह चार्टर तैयार है, उसमें क्या चीजें ऐसी सेंसर लगे हुए हैं। अभी तो भाई साहब वो अमेरिका का क्यों यूज करता है, इसी वजह से करता है भाई साहब। और मोदी जी भी सेम टू सेम वही चीज यूज कर रहे हैं, इस पे ना बम असर ना मिसाइल असर ना कुछ और चीज, ये फुल सेफ है। वही ना, और भाई जो गाड़ियां वो अलग, अगर उसका टायर पंचर हो जाए, टायर जाए तो फिर भी 90 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकती है। नहीं तो गाड़ियां किधर हो तो घूम जाती है, घूम जाती है, एक टायर भी पंचर हो जाए तो वही कल्टी हो जाती है। लेकिन भाई ये देखो ना, और तीन तीन एक जैसी गाड़ियां नहीं पता चलता मोदी जी किस गाड़ी में बैठे हुए हैं। यार उस दिन अभी वो पीछे कौन सा चल रहा था, हमने चार चार देखी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा था इंडिया का, कौन सा था वो रिपब्लिक डे था, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जब आए थे तो ये चार चार रेंज रोवर, बिल्कुल मोदी जी के पास चार थी, बिल्कुल चार थी एक जैसी, मुझे याद है। और भाई जो साथ ये जो सिक्योरिटी है, चलो यार मोदी जी की एक गाड़ी भी हो, लेकिन ये जो सिक्योरिटी वाले साथ एसपीजी कमांडोस घूम रहे हैं, वो वजाद उनके पास जो ब्रीफकेस है, अगर कोई ऐसी चीज आती है, कोई ऐसी चीज आती है तो वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वही ना, और भाई जो टनल बनाई है पीएम हाउस डायरेक्ट एयरपोर्ट की, अगर इमरजेंसी होती है डायरेक्ट वो तो हम भूल गए, देख जो जिधर रहती है उधर से सीधा एयरपोर्ट निकलता ही रास्ता, जमीन के नीचे से किसी को पता भी हवा भी नहीं लगने देगी कि भाई साहब वो रास्ता है, हेलीपैड है अंदर ही, सब कुछ अंदर ही है। यार ये देखो ये हवाला है भाई साहब मोदी जी की सिक्योरिटी का, इधर कौन भाई साहब आके इनसे पंगा लेगा। जो मैं कहता हूँ, जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा ना, वो पंगा लेगा। इस सिक्योरिटी में चिड़ी पार नहीं मार सकती है इतना, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं, जो चिड़ी नहीं होती वो भी नहीं आ सकती, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो यार आपके क्या थॉट है सिक्योरिटी पे, मोदी जी की इधर ही वीडियो खत्म कर देता हूं।